आज हम बात करेंगे कि हमारे तीसरे महीने में हमें क्या क्या लक्षण पता चलते हैं और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं। जब हम तीसरे माह में पहुंचते हैं तो हमें टेंशन, थकान, घबराहट, बेचैनी बनी रहती है और हमें खाने में चटपटा खाने का मन करता है। ये बच्चा तीसरे महीने में जब पेट में पड़ता है तो बच्चा काफ़ी बढ़ने की कतार पे होता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई या लो होने लगता है और हमें घबराहट होती है, उल्टी होती है, जिससे कि हमारा खाना जो होता है वो सही तरीके से नहीं पच पाता है और खाते ही हमारा जी मचलता है। ये हमें किसी किसी के तो 3 महीने क्या पूरे 9 महीने तक उल्टी और घबराहट रहती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जब तक बच्चे में जान नहीं पड़ती तब तक होता है और ज़्यादातर लेडीज़ों को 5-6 महीने तक घबराहट, बेचैनी, उल्टियाँ रहती है और ज़्यादातर अपने आप को ध्यान देना चाहिए। जब हमें उल्टी होए तो हमें थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाना चाहिए, क्योंकि खाली पेट बच्चे के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि बच्चा जब गर्भ अवस्था में होता है तो जब वो 3 महीने तक तो वो गोल आकार में ही रहता है, उसके बाद ही उसमें हड्डियाँ और शरीर जो होती है उनकी ही बढ़ती है, जिससे बच्चा धीरे धीरे बड़ा और एक्टिव होने लगता है। बच्चे की एक एक हड्डियों और धीरे धीरे हर एक अंग बनने लगता है और बच्चा जो 3 महीने में होता है तो हमें इतना कुछ महसूस नहीं होता, ज़्यादातर हमें यही लगता है कि हमें बेचैनी हो रही है, हमें उल्टी हो रही है और चक्कर आना, अपने आप में कमज़ोरी सी महसूस होना। तो हमें ज़्यादातर उन समयों में अपने को ध्यान देना चाहिए, हर चीज़ का ख्याल करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग जो होते हैं जिन्हें तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है और देख सकते हैं आप लोग 3 महीने में पेट ज़्यादा नहीं निकलता है, बस भारीपन सा लगता है कि पेट में कुछ ऊपरी हिस्से में कुछ है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।